Hi, this is Puneet from Resolute Insights. I'm a proprietary trader, a consultant, and a trainer too. This video is about present status of Nifty. हम सब जानते ही हैं मार्केट्स काफ़ी वीक हैं, हर एडवर्स न्यूज फ्लो पे रिएक्ट भी कर रही हैं. ऐसे में रिवर्सल को ठीक से समझना और उस पर रिएक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस वीडियो में हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे. वीडियो को बायलिंगुअल ही रखेंगे सो दैट इट कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस. चार्ट्स में यूज किया गया टेक्स्ट इंग्लिश में है एंड इट विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग हियर. एज दिस इज अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो हम लोग मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे. निफ्टी के मंथली, वीकली और फिर डेली चार्ट्स को देखकर उसकी मदद से ट्रेंड्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे. Since there are a couple of weeks remaining in the month of March, we will use today's closing as March's closing. आज की closing 17,100 फरवरी की closing या फरवरी के low से नीचे है, which is a sign of continuing weakness only. March का अभी तक का low आज की closing से लगभग 240 points नीचे है. This is a bit heartening for bulls or long side traders. अब यदि निफ्टी 17255 और 17405 के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तभी कुछ स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं. ऑन द अदर हैंड 16850 से नीचे जाने और सस्टेन करने पर फर्दर वीकनेस कंफर्म होगी. निफ्टी का वीकली लो और क्लोजिंग अक्टूबर 2022 के बाद से लोएस्ट लेवल पर है जो कि फर्दर वीकनेस को ही इंडिकेट करता है. वीकली कैंडल की टेल थोड़ी बड़ी है, लोएस्ट पॉइंट से 250 पॉइंट्स की रिकवरी थोड़ी रिलीफ की तरह हो सकती है. निफ्टी एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ही क्लोज हुई. दो द लो ऑफ द वीक वाज बिलो सपोर्ट लाइन, नीचे 16760 से 16860 के बीच एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, लेकिन 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस भी एक्सपेक्ट की जा सकती है. एक अच्छे सपोर्ट रीजन से कल और आज एक शार्प रिकवरी देखी गई. 17,050, 16,950 और 16,850 अब सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करेंगे. यहीं 17,255 और 17,405 रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करेंगे. डेली 21 पीरियड आरएसआई एक राउंडिंग बॉटम बनाकर रिवर्स हुई. आरएसआई 9 ईएमए के नीचे लेकिन काफ़ी नज़दीक है. आरएसआई अभी भी 34 ईएमए के नीचे है. इस आरएसआई का 44 या इस क्रॉसओवर के समय 34 ईएमए का जो भी लेवल हो उसके ऊपर जाने पर ही कुछ रिलायबल अप मूव एक्सपेक्ट की जा सकती हैं. निफ्टी की आज की क्लोजिंग 5 ईएमए से थोड़ा नीचे हुई. ये 5 ईएमए के नीचे की 7th कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है. 5, 10, 20 और 50 ईएमए का ऑर्डर भी यही इंडिकेट करता है कि निफ्टी एक अच्छे खासे बियर ग्रिप में है. निफ्टी का 5 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना स्टेबिलिटी का पहला साइन होगा जब तक निफ्टी 17401 या 20 ईएमए के नीचे रहती है. रिलायबल अपमूव एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती. पिछले दो सेशंस के बेसिस पर 16850 को एक इंटरमीडिएट सपोर्ट तो कहा जा सकता है. 16850 टू 17400 की रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक इन एक डिसाइसिव डायरेक्शन दे सकता है. निफ्टी की पिछले दो सेशंस की रिकवरी आवरली चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रांग लगती है. 16990 से 17160 की रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक इन एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल मूव दे सकता है. 16940 के नीचे सस्टेन करने पर इस शॉर्ट कवरिंग या रिलीफ रैली का इंपैक्ट ओवर माना जा सकता है. थैंक यू, होप इट हैज हेल्प्ड. प्लीज कंसीडर जॉइनिंग फ्री टेलीग्राम चैनल t.me/i2gain और फॉलो मी ऑन ट्विटर यूजिंग माई ट्विटर हैंडल @i2gain. Thank you.